तत्व देवता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवी देवता वास करते हैं, और ऐसी सोच रखने वाले भारत देश के एक राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश की एक बेटी जो एक पशु चिकित्सक थी, उसके साथ जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ, दुष्कर्म के बाद निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से उसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि ये कैसी घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को शर्मसार किया है और पूरे देश की आत्मा को झकझोरा है, पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा दुखद रहा जो राज्य सरकार का रवैया रहा, एक FIR करवाने के लिए पीड़ित परिवार के पक्षों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन का समय लगाया एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बार बार दुष्कर्म और निर्मम हत्याओं की घटनाएं होती हैं और हर बार सदन इसी प्रकार चर्चा करता है, एक साथ एक आवाज में खड़ा होकर निंदा करता है और ये मांग करता है कि देश में महिलाओं का इस प्रकार से जो उनके प्रति अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी राज्य सरकारें और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है, ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इस मामले को, जैसा पिनाकी मिश्रा जी ने, मेरे भाई ने कहा कि इस मामले में हमको अब की बार चुप नहीं रहना है और एक इतना कड़ा संदेश देते हुए स्थापित करने की आवश्यकता। अपनी बात कहते हैं, सब इस घटना से चिंतित है, लंबी बात भूमिका बांधने की आवश्यकता।